تمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم इलामीर सूरह हुजरात की यह तेरहवीं है अल्लाह फरमाते लोगों बेशक हमने तुमको पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से और फिर उसके बाद हमने जब आबादी ज़्यादा फैली लोग ज़्यादा हुए तो बस्तियों में अलग, अलग अलग गए ना तो हमने तुम्हारे कबीले और ख़ानदान बनाए ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको लेकिन अल्लाह के यहाँ सबसे इज़्ज़त वाला एहतराम वाला वो है कि जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता है सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता है बेशक अल्लाह ताला सारी चीज़ों का इल्म भी रखता है और सारी चीज़ों का की ख़बर भी रखता है सूरत हजरात जैसा कि पहले बताया गया की असलाह के लिए सोसाइटी की असलाह के लिए अल्लाह ने बहुत उमदा उमदा बातें बताई हैं अगर इन बातों पर हमल करेंगे तो अल्हद सोसाइटी के अंदर असलाह हो जाएगी लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह को जब मान लेंगे तो फिर सारी बातें झगड़े की ख़त्म हो जाएंगी तो एक अहम बात की तरफ अल्लाह ने तौने हमको बताया है एक अहम बात बताई है क्या कहा जहर बात है दुनिया कितनी बड़ी है शुरू हुई दुनिया एक मर्द और एक औरत से फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते आबादी सात अरब सात सौ करोड़ साढ़े छः सौ साढ़े छः या सात अरब लोगों की दुनिया अभी बसती है शुरू हुए एक मर्द और एक औरत से सुबह अब यह सोचें कि सब जग एक मर्द कितनी बातें इससे मालूम होती हैं ये एक मर्द और एक औरत थे तो किसकी इबादत करते रहोगे अल्लाह ही के ना इबादत करते रहोगे उस वक्त तो कोई दूसरी मखलूक तो थी नहीं कि साहब कोई पत्थर होता कोई बुत होता फूल होता उनकी इबादत करते नहीं ना इसलिए ज़मीन पर आते ही जो सबसे पहले दुआ दुआद्लाम ने की रब्बना वलम नसन अल्लाह हमसे ग़लती हो गई अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे अल्लाह तो एक बात तो ये मालूम होना है कि शर्क शुरू में नहीं था शर्क तो बाद में शुरू हुआ हजरत नू आम के ज़माने से थोड़ी मुद्दत पहले शिरक शुरू हुआ तो शर्क को मिटाने के लिए सबसे पहले पैगंबर हजरत नू आम दुनिया में तशरीफ लाए एक बात तो ये हुई दूसरी बात अल्लाह फरमाते वजना कुम शबाला और हमने तुम सबको बिरदरी में और ख़ानदानों में कबीलों में तकसीम किया यह हो ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको इसका मकसद यही है कि एक दूसरे को पहचान सके, एक ही बस्ती अगर वो पूरी दुनिया तो कैसे होगा सोच कर देखिए ये हुआ कि सब मुल्क तकसीम हुए और लोग जो है काले हुए गोरे हुए और कोई दूसरे कलर के हो गए अफ्रीका के लोग हुए और सब यूरोप अमेरिका के लोग हुए एशिया के लोग हुए ऑस्ट्रेलिया के लोग हुए कितने अलग अलग दुनिया में लोग बसाए बस गए लेकिन सब ये कि माँ बाप के औलाद हैं ये औरत और एक ही और से अल्लाह ताला ने सब को पैदा किया है इसमें क्यों होना चाहिए तफरीक़ नहीं होनी चाहिए ना सब इंसान के नाते सारे इंसान भाई भाई हैं सारे इंसान आदम की औलाद हैं तो दुनिया में इसको लोगों ने भुला दिया तीन चार चीज़ें दिलों में जब बस जाती हैं उनकी मोहब्बत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो दुश्मनी जन्म लेती है ज़बान का मसला आप देख लीजिए हमारे मुल्क के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ज़बान का मसला कितना संगीन है कितना अहम है अब सारे लोग यूपी बिहार वगैरह के हिंदी ठोंसना चाहते हैं टमिल वाले टमिल कभी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं तेलुगु वाले भी ऐसे मलयालम वाले भी ऐसे कि सब हमारी जबान ये तो ज़बान का तसब है अरबी और अरब के जो लोग थे ना उनके अंदर सबसे ज़्यादा तसब था पहले इसलिए अरब के अलावा जितने लोग हैं उनको कहते अजमी अजमी का मतलब होता है गोंगे बेजबान यानी बोलते करते सब कुछ है लेकिन वह समझते थे कि ज़बान हमारी है इसके अलावा जितनी ज़बान है सब बेकार ज़बान हैं गंगे हैं इसलिए हम लोग को आज़मी कहते थे तो वैसा ही देखिए यहाँ भी एक चीज़ है ज़बान का तसब जब जबान से बेजा मोहब्बत और सारे हकीकतों को आ, मिटा कर या सारे हकीकतों को भूल कर एक चीज़ की मोहब्बत अपने दिल में बसा लेना एक तो ये होता है दूसरा एक है का रंग का भी मसला बड़ा होता है काले गोरे अल्लाह अकबर कितनी दुनिया में सब हुई है जी अमेरिका वाले इंग्लैंड वाले काले लोगों को पकड़ कर लाते थे अफ्रीका से इनके पास बंदूक भी था सब कुछ था वो काले बेचार उनके पास कुछ भी नहीं जानवरों की तरह पकड़ के लाते थे और इनको जो है यहाँ काम में लगाते थे कितना जुल्म किया जी कि वो भी इंसान ही ना लेकिन काले थे और ये गोरे थे इनको गोरों को अपने अपने आप को गोरे अपना अपने आप को ऊंचा समझते थे ऐसा हुआ था जुनूबी अफ्रीका के अंदर वैसे ही था अंग्रेज़ों को बहरहाल उन्होंने मारकर वहाँ से भगाया फिर वो अभी उन पर अपना कब्ज़ा जमाया वहाँ जो इंडियंस भी हैं गुजराती वगैरह भी बह, बहुत हैं और काले लोग भी हैं लेकिन अंग्रेज़ों ने जो दुश्मनी कालों से रखी थी वो दुश्मनी ख़त्म हो गई वो दुश्मनी अभी नहीं है वो साउथ कोरिया का साउथ अफ्रीका तो, के अंदर बहरहाल देखिए एक तसब यह है रंग का दूसरा तसब यह भी होता है ख़ानदान कबीले का हालाँकि का ख़ानदान एक ही देखा जाए तो कबीले भी ऐसे ही हैं लेकिन लोगों ने अपने आप को बहुत ऊंचा समझ लिया नाजी जर्मन का हिटलर था वो समझता था कि जर्मन की कौम सबसे अफजल है इसलिए उसके सिवा दूसरी कौम को रहने का हक़ हाँ नहीं है इस दुनिया में दुनिया अल्लाह ने बनाई इंसान को अल्लाह ने दुनिया में बसाया अब इंसान खुद ब खुद ब खुद, खुद खुदा बन के बैठ गया कि हम जिसको चाहेंगे रखेंगे दुनिया में और जिसको चाहेंगे ज़मीन के अंदर द, दफना देंगे कितने तसुबात हैं और कितने इनके अंदर ऐसे हैं बिरादरी हिंदू मज़हब के अंदर आप देखते हैं चार बरदरी हैं ब्रह्मा उनका गोया बड़ा महबूद है उसने ब्राह्मण को पैदा किया सबसे ऊंची ज़ात ब्राह्मण को पैदा किया सबसे ऊंची ज़ात हो गई वह और उसके बाद जब दूसरी जात को पैदा किया तो साब खतरी उनको जो है जंग लड़ना दुश्मन से मुकाबला करना ब्राह्मण की बात मान के उनके ताबे रहना फिर उसके बाद वैश्य उनका काम है साफ पेट भरना लोगों का किसान का काम करना हाँ तरकारी उगाना और साफ जानवर जानवर पालना जानवर चराना खेती बाड़ी करना उनका काम ये ज़ातों को पैदा करके उनकी ड्यूटी भी मुकर कर दी गई है और आखिर में बेचारा शूदर काला रहता था अब इसलिए उसको कहा शोधर वो तो इंसान के लायक भी नहीं है कितना ऊपर शोधरों पर अल्लाह अकबर आज भी हमारे मुल्क के अंदर कुछ इलाक़े ऐसे हैं कुछ बस्तियाँ ऐसे हैं शोधरों की बस्ती बिल्कुल अलग है उनका रास्ता भी अलग है अल्लाह अकबर कैसे इन्होंने तफरीक कर दी चार ज़ात क्यों अल्लाह पैदा किया कैसे पैदा करेगा अल्ला सबका खालि है वो क्यों चार चार ज़ात पैदा करेगा यह सब ऐसा करके उन्होंने रखा इतना ही नहीं इससे आगे बढ़कर उन्होंने ये किया हमारी जो वेद की किताबें हैं अगर कोई शूदर उनको देख लेगा तो उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी अगर कोई शूदर वेद की बात सुन लिया गा, सुन लिया ब्राह्मण पढ़ता है उसके कान को बहरा कर दिया जाएगा और अगर कोई शूदर वैद के एक आयत पढ़ लेता है उनके हिसाब से आयत समझिए उसको एक जुमला पढ़ लेता है उसको ज़बान काट दी जाएगी कैसा जुल्म था जी इस्लाम ने कितनी बातों को ख़त्म किया सारी दुनिया के अंदर क्या क्या सब तफरी थे सब को ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन दिन अल्लाह ने हमको दिया इसी को कहते हैं दिन मुसावात बराबरी का दिन दीन।, दीन. बराबरी का दीन यानि सारे इंसान होने के नाते सब बराबर हैं गोले काले कुछ भी नहीं इस्लाम ने इसको फ़रोग दिया आज भी अल्लाह के मेहरबानी से मुसलमानों के अंदर ये बिरादरी ये मसावत कायम है हम सारे लोगों को दुनिया के इंसान समझते हैं अगर चाहे हमारा दिन और उनका दिन अलग अलग है फिर भी इंसान होने के नाते हम सब बराबर हैं इंसान होने के नाते इन्ना खलक नाकुमिंदा करी वो उन हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया ये अल्लाह ने कितनी सच्ची बात कही और कितनी अच्छी बात कही इसको अमल करके बताया मुसलमानों ने यहूदियों के अंदर भी ऐसी मुसीबत है वो समझते हैं हम लोग शाम की औलाद गोरे लोग हैं हम लोग और हाम जो था नूसम का दूसरा बेटा वो कालों का बाप है तो कहते हैं कि हमारी कौम सबसे ऊंची है यहूदी ऐसे ही समझते हैं आज भी यहूदी अपने सिवा साहब को समझते हैं ये लोग नीच ज़ात के लोग हैं कम जात के लोग हैं ऐसा समझते हैं सुबह अल्लाह क्या क्या तफरीक़ है जी हिंदुस्तान के अंदर भी आप देख लीजिए कितनी सब बातें हैं हमने बस जगह ईसा देखा कि साहब कोई होटल है तो वहाँ हिंदू मुसलमान आ सकते शुदर नहीं आ सकते वो शुदर जिनको कहते हैं धेड़ कहते हैं जिनको वो लोग नहीं आ सकते थे उनके लिए पना मिली इन शुदरों के लिए यहाँ के इंडिया के ईसाई कबूल कर लें ईसाइत कबूल कर लें बहुत सारे लोगों नेसाईत को कबूल कर लिया अब उसकी वजह से उनको थोड़ी इज्ज़त मिल गई दुनिया में दुनिया में थोड़ा उनका मकाम ऊंचा हो गया वरना तो जब वो शुदर थे तो उनकी कोई इज़्ज़त वक्त हिंदुओं के पास नहीं थी अगर कोई आदमी कुएं से हिंदू के मोहल्ले के कुएँ से कुआँ तो आम होता था बस्ती वालों के लिए लेकिन टाइम अलग अलग होता था कि शूदर इतने वक्त को पानी उठा लेंगे और सब दूसरे लोग इतने वक्त को पानी उठा लेंगे अगर कोई शूदर वक्त से पहले जाके पानी उठा लिया मारते भी थे उसको और धोते भी थे सब कुछ कितना सब जुल्म होता था और आज भी सेलम वगैरह के इलाके में हम सुनते हैं कि ऐसे बाज़ बस्तियों में यही सलूक उनके साथ किया जाता है कितना सब कहें बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए इत्तिफाक से मुसलमानों के अंदर भी कुछ खराबियां पैदा हो गई उनके अंदर भी बिरादरी हो गई यहाँ तो अलहदुल्लह तमिलनाडु है केरला है आंध्रा है और सब कर्नाटका यहाँ सब बिरादरी मुसलमानों में नहीं है एक दूसरे की शादी हो जाती है लेकिन जबान का मसला होता है ना थोड़ा उसका ख्याल करते हैं जिनकी ज़बान अलग अलग हो गई उनमें आपस में शादी नहीं होती जैसे उर्दू वाले जिनको दखनी कहते हैं और तमिल वाले जिसको लब्बे कहते हैं इनकी शादी आमतौर तौर पर ज़बान की वजह से नहीं होती और दूसरी कोई बात नहीं लेकिन फिर भी उर्दू वालों को टमिल वाले इलाके में हकीर समझते हैं आ, पठान के औलाद को पठानी पहिया पटानी पहिया कहते हैं यानी पठान के औलाद औलादी यानी उर्दू वालों के औलाद अल्लाह अकबर ऐसा है अभी तमिलनाडु में हमने देखा था ये मन्नार मन्नारकु वगैरह कुछ इलाक़े हैं और लालपेट का इलाका है वहाँ हमने देखा अपनी आँखों से सब उर्दू बोलने वाले को बहुत हकीर समझते हैं और उर्दू वालों का काम क्या है उनके पास मुर्गी काटना गोश काट का, बकरा काटना गोश्त बेचना यही उनका काम है दूसरे काम सब नहीं करना ऐसे हिंदू मुसलमानों के अंदर भी ये मुसीबत शराय कर गई यहाँ तो अलहमदिल्ला मैंने कहा कि तमिलनाडु के, के अंदर ये मुसीबत नहीं है अलबतः शादी में थोड़ी मरतबे ये परेशानी होती है और कुछ इलाक़ों में उर्दू वालों को हकारत के निका से देखते हैं उनको पठान की औलाद कहते हैं